Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Mulkarsha and I hope you guys are doing well. तो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं ये जो कॉसरेक्स का स्नेल म्यूसिन है इसे मैं पूरे 7 days के लिए मेरे फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ, मतलब कि फॉर 1 week. एंड मैं यहाँ पे मतलब ये प्रोडक्ट के जो भी क्लेम्स है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी. उसमें से एक क्लेम था कि ये डार्क स्पॉट रिमूव कर देगा, तो मुझे वही करना है क्योंकि मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है. एंड आप में से किसी एक ने मेरे शॉर्ट्स पर कमेंट भी किया था कि आप स्नेल म्यूसिन ट्राई करो, उसको जल्दी से आपको रिजल्ट दे देगा. तो फाइनली आज मैं वो ट्राई करने वाली हूँ एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड. मैं इसे दिन में 2 बार अप्लाई करने वाली हूँ, डे एंड नाइट में, फॉर मोर बेटर रिजल्ट्स. वो बात अलग है कि मैं नाइट के जो क्लिप्स है वो ऐड नहीं करूँगी, उससे ना वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाएगा. सो ऐसे कुछ मेरे फेस की कंडीशन है. यू कैन सी बहुत सारे डार्क स्पॉट्स है मेरे कैमरा में, लाइक मेरे फोन में अच्छे से ये कैप्चर नहीं कर रहा, बट यहाँ पे भी है यहाँ पे. तो आपको ये जो प्रोडक्ट है इसे डायरेक्टली आपके फेस पर अप्लाई नहीं करना है. आपको सबसे पहले आपका जो फेस है अच्छे से वॉश कर लेना है. देन आपको टोनर अप्लाई करना है, मतलब आपका जो फेस है थोड़ा डैम्प छोड़ना है. मैं यूज़ करने वाली हूँ ये प्लम का राइस वाटर एंड नायसिनमाइड टोनर. मैं इसे पूरा एब्जॉर्ब नहीं होने दूंगी क्योंकि मुझे जो स्किन है थोड़ी डैम्प चाहिए. अभी इसे मैं अप्लाई करूंगी. इसके ऊपर मैं अप्लाई करने वाली हूँ मॉइस्चराइजर. यस, डे वन कंप्लीट. सो फाइनली 7 days कम्प्लीट हो चुके हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू शेयर माई ऑनेस्ट रिव्यू. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं ये वीडियो मेरे हाथ में फ़ोन लेकर फिल्म कर रही हूँ. मेरे ट्राइपॉड को जो फ़ोन होल्डर रहता है वो ख़राब हो गया है. सो यस, अभी मैंने मेरा ना स्किन केयर कर लिया है, तो उसकी वजह से मतलब सनस्क्रीन की वजह से मेरा फेस ऑयली दिख रहा है. बट एनी वेज, यहाँ पर मैं बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर मैंशन कर दूँगी ताकि आपको जो एग्जैक्ट 7 days में कितना डिफरेंस आया है वो समझे. मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आई डोंट नो ये प्रोडक्ट वर्क करेगा या नहीं, बट थैंकफुली इसने वर्क किया एंड 7 days में लाइक ब्रेकआउट या फिर कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, तो यस रूट तो हो गया है. एंड ये जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे दे रहा है. 7 days में आप कोई भी एकदम रिजल्ट, एकदम अच्छा, आपको जो जैसा भी रिजल्ट चाहिए वैसा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 7 days स्टार्टिंग के फेज में तो लाइक प्रोडक्ट आपके स्किन के लिए न्यू रहता था. आपकी स्किन वो प्रोडक्ट को अडाप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लेती है. सो 7 days में आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. मैंने भी नहीं किया वो. मैंने जिस मेन रीज़न से इसे यूज़ करना चालू किया वो थे मेरे डार्क स्पॉट्स एंड वो फेड हो रहे हैं. वो बात है कि थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ वर्किंग. पहले कुछ एक्सट्रीम थे जो डार्क स्पॉट्स थे, बहुत ज़्यादा दिख रहे थे इस साइड से भी. अभी जो डार्क स्पॉट्स है थोड़े फेड हो गए हैं. बात करूँ टेक्स्चर की, मेरे स्किन के टेक्स्चर की, तो वो भी बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा मतलब
50% तो टेक्सचर चेंज हो गया है मेरे फेस का। अभी मुझे मेरा फेस बहुत ज़्यादा हाइड्रेट लगता है, मॉइस्चराइज लगता है एंड पहले से बहुत ज़्यादा हेल्दी लगता है। एंड मैंने 7 days में डे एंड नाइट में अप्लाई किया है, सो यू कैन सी इतना यूज़ हुआ है, बट फिर भी बहुत सारा अभी बाकी है तो ये चल जाएगा। एंड बात आती है रिपर्चेस मैं करूँगी या नहीं, मैं डेफिनेटली करूँगी, बट थोड़ा पैसे को देख कर करना पड़ता है क्योंकि ये प्रोडक्ट सच में महंगा है। 7 days में ये रिज़ल्ट तो अच्छा दे रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर 7 days में ही ये इतना अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है एंड काम कर रहा है तो 1 month में या फिर उससे ज़्यादा दिनों में कितना काम करेगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। एंड प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपने अगर स्नेल म्यूसिन यूज़ किया है, ट्राई किया है, तो आपका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में बताओ। मेरा फ़ोन मेरे हाथों में है, उसको जैसे शेक हो रहा है, बट प्लीज़ थोड़ा सा उसे मैनेज कर लेना। सो जो मेरा जॉलाइन का एरिया है, दिस एंड दिस, यहाँ पे मुझे बम्स आते हैं छोटे छोटे एंड उसके वजह से वो जो एरिया है डार्क हो जाता है, यू कैन सी। बट जब से मैंने ये एसेंस चालू किया है मैं ना डिफरेंस देख रही हूँ, जो बम्स है वो कम हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा रहते थे, बट अभी जब से मैं ये एसेंस यूज़ कर रही हूँ तो वो कम हो रहे हैं धीरे धीरे और मैं चेंज देख रही हूँ, तो डेफिनेटली ये 11/10 है। सो यस, ये था आज के वीडियो के लिए। सो यस, मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप ये बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और लाइक भी करना नहीं भूलना है। ओके, सो बाय बाय।